मैं पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं, कई टाउन हॉल किए, वकीलों से मिले, व्यापारियों से मिले, उद्योगपतियों से मिले, किसानों से मिले, ऑटो ड्राइवर से मिले, कई लोगों से मिले। सब कहते हैं जी गुजरात में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आपको किसी भी सरकारी विभाग में काम कराना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। नीचे के लेवल पे भी भ्रष्टाचार है, ऊपर भी सरकार के ऊपर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। इनके खिलाफ अगर कुछ बोलो तो ये डराने पहुंच जाते हैं, धमकाने पहुंच जाते हैं, व्यापारियों को उद्योगपतियों को रेड की धमकी देते हैं, तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे, तुम्हारा बिजनेस बंद करा देंगे, रेड कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। एक आम आदमी को इनके लोग पहुंच जाते हैं डराने के लिए अगर इनके खिलाफ कुछ बोलो तो। चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार है, चारों तरफ इतनी गुंडागर्दी और इतना डरा रखा है इन्होंने लोगों को। आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे गुजरात को। पहली चीज, हमारा सीएम, हमारा कोई भी मंत्री, हमारा कोई भी एमएलए, हमारा या किसी और पार्टी का भी, हमारा कोई भी एमपी या किसी और पार्टी का या कोई भी ऑफिसर किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सीधा जेल जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक एक पैसा, सरकार का एक एक पैसा जो आप लोग टैक्स देते हो, एक एक पैसा सरकार का जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। जब सरकारी दफ्तर में जाता है अपना काम कराने के लिए, उसको बिना पैसे दिए काम नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, हर व्यक्ति का हर काम बिना रिश्वत दिए सरकार के अंदर किया जाएगा। किसी भी विभाग में कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, उल्टे आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना कोई काम कराना है, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सरकार से कोई कर्मचारी या सरकार से कोई अफसर आपके घर आएगा, आपका काम करके जाएगा, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, जितने नेताओं के, मंत्रियों के, बड़े बड़े लोगों के काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे गुजरात के अंदर। चौथी बात, ये पेपर फूटने का सिलसिला बंद करेंगे। जितने 10 साल में पेपर फूटे हैं, उनके जितने मास्टरमाइंड सरकार में और इनमें बैठे हैं पार्टियों में, सब लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और पांचवी बात, जितने बड़े बड़े घोटाले इनके कार्यकाल के अंदर हुए, सबकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल, इनसे पैसा रिकवर करेंगे। ये पैसा किसका था? ये पैसा गुजरात की जनता का था। जितना पैसा इन्होंने लूटा है सारा पैसा रिकवर करेंगे, एक एक पैसा रिकवर किया जाएगा और उस पैसे से आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी सड़कें, वो सारा बनाएंगे।